हेलो एवरीवन स्टडी टुडे विद विथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में क्लास नाइन का आज जो वीकली टेस्ट हुआ उसके आंसर क्यों को देखेंगे आपका कितना सही हुआ और कितना गलत मिला लीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन गिवन है व्हाई डिड अल्बर्ट आइंस्टीन राइट अ पब्लिक मैसिव टू द यूएन तो ऑप्शन गिवन है ही वांटेड टू प्रोपोज हिज थ्योरी इन द यूएन ऑप्शन बी गिवन है ही वांटेड टू गेट द मेंबरशिप ऑफ द यूएन ऑप्शन सी देखिए ही वाज मूव्ड बाय वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन या फिर ऑप्शन डी गिवन है ही वाज इन फेवर ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ही वाज इन फेवर ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ही वॉज इन फेवर ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर टू को देखिए क्वेश्चन नंबर टू में गिवन है वैन वॉल अल्बर्ट आइंस्टीन वर्न तो इसका राइट आंसर होगा मार्ची सेवनटी नाइन तो ऑप्शन डी होगा फोर्टीन मार्च एटीन सेवनटी नाइन जर्मनी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री गिवन है फेमस पेपर ऑफ आइंस्टीन इज सेड टू हैव बीन पब्लिश्ड इन नाइनटीन जीरो फाइव तो देखिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी या फिर न्यूटन्स थ्री लॉ इसका राइट right आंसर होगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट right आंसर होगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि ऑप्शन ए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर को देखिए क्वेश्चन नंबर फोर गिवन है व्हाट वाज द सेकंड एंड अर्थ सेकिंग डिसीजन मेड बाय द डॉक्टर ऑप्शन देखिए टू मैरी अ फेड गर्ल टू ऑलवेज वेयर कोट पैंट्स या फिर ऑप्शन सी देखिए टू ऑलवेज वह स्माइल हिज फेस या फिर ऑप्शन डी टू मैरी आई स्लिम गर्ल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टू मैरी अ फैट गर्ल देखिए उसका जो फास्ट डिसीजन था उसका जो फास्ट डिसीजन था आर्थ सेकिंग जो फास्ट डिसीजन था डॉक्टर का कि फास्ट डिसीजन था अधिक सुंदर दिखने के लिए हर रोज दाढ़ी बनाएगा और पतली मुझे उगाएगा क्योंकि डॉक्टर कुआरा था फिर नेक्स्ट डिसीजन यानी कि दूसरा आर्थ सेकिंग डिसीशन लिया कि वह शादी करेगा कैसी लड़की से एक मोटी लड़की से क्योंकि देखिए डॉक्टर एक निर्णय लिया था दूसरी निर्णय लिया था कि वह शादी करेगा एक ऐसी महिला डॉक्टर से शादी करेगा जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और एक अच्छा डॉक्टरी अभ्यास हो वह मोटी होनी चाहिए वह मोटी होनी चाहिए उचित कारण के लिए क्योंकि यदि डॉक्टर कोई मूर्खतापूर्ण गलती कर दे और भागने की आवश्यकता पड़ जाए तो वह डॉक्टर के पीछे भाग नहीं सकेगी तो उसका सेकंड डिसीजन था टू मैरी अ फैट गर्ल तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव को देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में गिवन है वाट क्वल्ड अराउंड द डर लेफ्ट आर्म यानी डॉक्टर का जो लेफ्ट आर्म था उसमें क्या लिपटा हुआ था तो स्नैक था ऑप्शन डी होगा आ उसके जो डॉक्टर का जो लेफ्ट आर्म में एक सांप सांप लिपटा हुआ था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखिए देखिए आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लेफिंग

तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी द लेपिंग लो साउंड ऑफ द लेक वाटर तो क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन बी होगा राइट आंसर देखिए इसका जो आंसर है इस इसमें गिवन है देखिए देखिए इस सेंटेंस में गिवन है आई हेयर द लेक वाटर लेपिंग विथ लो साउंडस तो इसका राइट आंसर सेवन का ऑप्शन बी ही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर एट को देखिए क्वेश्चन नंबर एट में गिवन है अकॉर्डिंग टू द पोएम तो वो पोएम कविता के अनुसार आ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड हु केम टू द डोर ऑफ आर कोटेज तो इसका राइट आंसर होगा सेंट पीटर क्या होगा सेंट पीटर देखिए सेंट पीटर सेंट पीटर उपदेश देने के लिए यहाँ वहाँ घूमते थे और उपवास के कारण बहुत भूखे थे और जिसके कारण भूख मिटाने के लिए सेंट पीटर ने देखा कि एक केक बनाने वाली बूढ़ी औरत केक बना रही थी जिसके कारण सेंट पीटर कुटिया के द्वार पर गए तो इसका राइट आंसर संत पीटर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन ईश्वरन हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी व्हाट इट तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ठीक है ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर का बी होगा प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सिमिंगली आउट ऑफ नाउ हुआ तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर गिवन है हाउ डिड द गुरु सेफ हिच डिसिप्लिन इन द किंगडम ऑफ फूल्स तो ऑप्शन देखिए द गुरु क्रिएटेड अ मिस्ट्री एंड एक्सप्रेस्ड हिच डिजायर टू डाई या फिर द गुरु ऑफर्ड अ हैंडसम प्राइस टू रेस्क्यू हिज डिसिप्लिन तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ठीक है ऑप्शन ए होगा गुरु ने क्या किया गुरु ने एक रहस्य एक रहस्य रहस्य रचा और मरने की इच्छा व्यक्त की गुरु ने गुरु ने राजा को कहा कि जो जिसको 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 मृत्यु प्राप्त होगी यानी पहली मृत्यु जिसको प्राप्त होगी फर्स्ट में तो उसको क्या पुनर्जन्म में राजा ही प्राप्त होगा जिसके कारण वो क्या बचाया किसको अपने जो शिष्य है उसको बचाया तो द गुरु क्रिएटेड अ एंड हिज डिजायर टू डाई अर्थात गुरु ने एक रहस्य रचा और मरने की इच्छा व्यक्त की तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन को देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन में गिवन है ग्रामर का क्वेश्चन है देखिए देखिए इंडिया डैश फ्रीडम इन

यानी कि फास्ट की बात है यानी कि फास्ट टेंस में है तो यहां भी फास्ट यूज होगा यानी कि वाच क्राइंग होगा वाच स्लिपिंग तो नहीं होगा इच्छ क्राइंग नहीं होगा क्राई नहीं होगा वाच क्राइंग होगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर ठीक है पास्ट टेंस में है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन माई फादर डेस्क टुमोरो ऑप्शन देखिए कम सेल कम विल कम या उइल कामिंग उइल कामिंग तो नहीं होगा और काम भी नहीं होगा देखिए टुमरो है यानी फ्यूचर टेंस में है और ये माय फादर क्या है थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज होगा ठीक है थर्ड पर्सन के साथ विल यूज होगा अगर आई होता तो सेल यूज होता लेकिन यहाँ पर माई फादर है इसलिए विल काम होगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर विल कम होगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर नेचर हैज डेस आस एवरीथिंग टू लिप ठीक है देखिए हैज है हैज इसलिए हैज के साथ वी थ्री यूज होगा यानी प्रोवाइडेड होगा फॉर मिलियन ऑफ इयर्स नेचर हैज प्रोवाइडेड अर्थात जो प्रकृति है हमें रहने के लिए सब कुछ देता है तो प्रोवाइडेड होगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द इको हेल्प्स आस विद एग्रीकल्चर एंड इन डैश क्रॉफ्स एंड वेजिटेबल्स तो देखिए ऑप्शन है ग्रो है ग्रो नहीं होगा देखिए। यहां पर क्या है इन है इन है देखिए वार्फ के साथ वार्फ के साथ अगर आई एन जी अगर वार्फ के साथ आई एन जी एड होता है तो वो वी फोर होता है और वो नाउन का भी काम करता है यानी कि ये यह यहाँ पर क्या होगा ग्रोइंग होगा ऑप्शन बी होगा इसका मतलब है कि पारिस्थितिकी तंत्र हमें कृषि फसलें तथा सब्जियाँ उगाने में मदद करता है उगाने में इसलिए इन ग्रोइंग होगा क्योंकि वी देखिए वार्फ प्लस आई एन जी तो वो नाउन का भी काम करता है इसलिए ग्रोइंग होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ऑप्शन बी होगा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन को देखिए ह्यूमन वेयर सार्ट वाई द इनवास इन सेवरल वेज एंड आर स्टिल डैश नेचर फॉर वेरियस पर्सनल यूजेज देखिए यहाँ पर दिया गया है एंड आर स्टिल यानी कि आर दिया गया है तो आर के साथ क्या होता है वार्व का वी होता है वार्व प्लस आई एन जी फॉर्म होता है तो इसलिए यूजिंग हो जाएगा इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी होगा यूजिंग तो ये अंतिम क्वेश्चन था